हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। आज हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और भारत के वर्तमान तथा 14वें राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि वेतन के अतिरिक्त और क्या क्या सुविधाएं हैं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। इस वेतन राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है और फिलहाल अभी तक यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को वेतन राशि के अलावा कई अन्य भत्तों का लाभ भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त निवास के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है और यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। भारत के राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 19,000 वर्ग मीटर है। वर्तमान नियमों के अनुसार राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 75,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को रहने के लिए एक सुसज्जित बंगला भी दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति की हवाई और ट्रेन की यात्रा पूर्णतः निशुल्क होती है और राष्ट्रपति के साथ एक व्यक्ति और भी यात्रा कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन और 1 मोबाइल फोन भी प्रदान किया जाता है और इन फोन्स का बिल भारतीय सरकार प्रदान करती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम ISSSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको ऑनलाइन जो भी मटेरियल SSC बैंक IAS से रिलेटेड चाहिए वो आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com पर जाकर पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।